अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे कोरोना के एक नए वेरिएंट जिसको ओमिक्रॉन का नाम दिया गया, उसके हवाले से बड़ी तफ्तीश जो है वो पाई जा रही है और उससे ज़्यादा तशवीश जो है वो फैलाई जा रही है। सबसे पहले तो बताते चलें कि वबाएँ बीमारियाँ आती रहती हैं, लेकिन इंसान को इतना पैनिक नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। और चूँकि हम परदेसी हैं, इधर उधर दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं, वीज़ों के फ़्लाइट के बड़े मसले मसायल पिछले एक दो साल से हैं, जिसको लेके ज़्यादा पैनिक फैलाई जाती है कि फ़लाँ मुल्क में ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, परसेप्शन यानी पहले से ही डिक्लेयर कर दी जाती है। तो जो नया कोरोना वायरस है उसकी निशानदेही जो है सबसे ज़्यादा साउथ अफ्रीका में और बाकी कुछ ममालिक हैं अफ्रीका के, जिसमें नमीबिया, जिम्बाब्वे, मोजम्बिक, बोस्वाना, इस्तोनिया और लेसुटो। लेसुटो जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर ही है, बिल्कुल उसके चारों तरफ साउथ अफ्रीका है और लेसुटो उसके अंदर है, क्योंकि हम वहाँ पर रह चुके हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद क्या है कि वहाँ पर जो नया वेरिएंट जिसको ओमिक्रॉन का नाम दिया गया, उससे कुछ केसेस आ रहे हैं और वो जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है, जिनको पूरी वैक्सीन हुई हुई है, दोनों डोज लगी हुई लग चुकी हैं, जिनको इवन के बूस्टर डोज भी लगी है, उनको भी वो वायरस जो है ना उनके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, यानी वो लोग इस वबा का शिकार हो रहे हैं। तो उसको लेके जो है बहुत सारे मुल्कों ने साउथ अफ्रीका से और कुछ बाकी ममालिक से जिनका मैंने नाम लिया, उनसे फ्लाइट ऑपरेशन जो है डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है कुछ अरसे के लिए, जिसमें सऊदी अरब शामिल है, बहरीन शामिल है, कुछ GCC के और मुल्क शामिल हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत सारी जिसमें शामिल हैं। उन लोगों ने उन मालिक से मोस्टली जो है साउथ अफ्रीका का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो वहाँ से फ्लाइट पेशेंट जो है वो मुअत्तल करने का ऐलान किया। लेकिन GCC की तरफ से, ओमान की तरफ से, UAE या दीगर कुछ मुल्कों की तरफ से अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि जो है ना हम पाकिस्तान से फ्लाइटें बंद कर देंगे, इंडिया से कर देंगे। इंडिया के साथ एयर बबल का एग्रीमेंट चल रहा है पूरी दुनिया का, और वीकली जो है लिमिटेड फ्लाइट्स होती हैं। पाकिस्तान से साथ भी ऐसा ही था, इवन के पाकिस्तान ने भी अपनी फ्लाइट ऑपरेशन की 100% कैपेसिटी जो है उसको कम करके 20% कर दिया था, जो कि पिछले महीने अक्टूबर में ही 100% दोबारा से बहाल किया गया। तो एक तरफ तो हालात जो है वो नॉर्मल होने जा रहे हैं और हर बंदा जो है वो वापस अपनी रूटीन पर आ रहा है, और दूसरी तरफ अचानक कोई ना कोई ख़बर आ जाती है और हम जो है फिर उसको ज़्यादा पैनिक बना के जो है पेश करते हैं कि भाई ये दर्द नहीं है, ये दर्दनाक है। ठीक है, तो हमारी रिक्वेस्ट भी है बाकी सब लोगों से, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो भी न्यूज़ वगैरह अपडेट करते हैं या किसी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पर डालते हैं, कम अज़ कम जो है इस चीज़ को पैनिक नहीं बनाएं। कुछ भी हो, डराएं मत लोगों को, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया है, ये बहुत ख़तरनाक है, बला बला। तो अपना ख्याल रखिए और सबके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए और आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा हो। ओमान का अभी तक हर चीज़ नॉर्मल है, सऊदी अरब में भी नॉर्मल है, सऊदी अरब ने तो बल्कि पाकिस्तान और कुछ और मुल्कों से डायरेक्ट फ्लाइटें 1 दिसंबर से ओपन करने का ऐलान कर दिया। तो दुआ करें कि हर चीज़ नॉर्मल ही हो और पहले से बेहतरीन हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।